सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आप सभी ने पाठ चार बातुनी के प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न शेष है। इस पाठ के हम आगे वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे कि उन्हें किस प्रकार से हल करना है। अनुमान कल्पना के प्रश्न आप सभी ने कर लिया है। यदि आप लेखक की जगह होते तो सज्जन से किस प्रकार बातें करते, इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए कि यदि मैं लेखक की जगह होता तो सज्जन से औपचारिक बातें करता, उनसे किसी प्रकार की दूरी बनाने की कोशिश करता। मान लीजिए कि सज्जन लेखक का काम नहीं कर पाते तो कहानी में क्या बदलाव आता। बच्चों, वह चिट्ठी छोड़नी अत्यावश्यक थी। अगर सज्जन चिट्ठी को नहीं छोड़ पाते तो लेखक सज्जन व्यक्ति के ऊपर कुपित होते, अर्थात गुस्सा करते, उनसे वह कभी बात नहीं करते और उनका काम रुक जाता। और इससे यह भी सीख मिलती कि हमें किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। यह अनुमान कल्पना का है प्रश्न, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब भाषा की बात पर ध्यान दीजिए। पाठ में से कोई 10 संयुक्त अक्षरों को ढूंढ कर उन्हें शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। संयुक्त अक्षर, संयुक्त मतलब जो जुड़े हुए हों, पाठ में से ढूंढना है और शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना है। आप सभी ने पुस्तक खरीद ली है, जिन बच्चों ने नहीं खरीदी है वो ध्यान दे। अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रही हूँ और उन्हें शब्दकोश के क्रमानुसार किस प्रकार से सजाना है। बच्चों, सबसे पहले हम शब्दकोश में क्या ध्यान देते हैं, सबसे पहले स्वर और फिर व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले स्वर में वाला कोई शब्द लिख ले रहे हैं, उन्होंने, ठीक है। अब हम दूसरा कोई शब्द लिख रहे हैं, अच्छा। अब कोई दूसरा शब्द लिखें, अब ध्यान देते जाइए। इन कुल हमें 8 शब्द लिखने हैं, किंतु मैं 4 ही लिखूंगी, शेष आपको गृह कार्य में करना है। चिट्ठी, 4 शब्द मैंने लिख दिए हैं। इन चारों शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार सजा कर लिखना है। तो सजाने का क्रम क्या होना चाहिए, क्रम संख्या 1 में क्या आएगा, क्रम संख्या 1 में आएगा अच्छा। अच्छा क्यों आएगा, क्योंकि अ से स्वर वर्ण प्रारंभ होता है। अच्छा के बाद दूसरे क्रम में उन्होंने, उन्होंने इसलिए आएगा कि अ के बाद ही अ उ। तीसरे क्रम में इन दोनों में कौन सा आएगा, क, कष्ट आएगा क्योंकि क वर्ग पहले आता, उसके बाद चौथे स्थान पे चिट्ठी। ये है सजा कर लिखने का तरीका, कि सबसे पहले कौन सा शब्द है, दूसरा कौन सा, तीसरा चौथा। हमें 8 शब्द लिखने हैं, किंतु अभी मैंने आपको केवल समझाने के लिए 4 ही शब्द दिया है। आगे के प्रश्न को देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। विलोम अर्थात उल्टा, अंदर बाहर, पाताल आकाश, विस्तार संक्षेप, पुण्य पाप। नीचे प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से विशेषण व विशेष्य शब्द अलग अलग करके लिखिए। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में विशेषण और विशेष्य दोनों पढ़ा है। विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है। अच्छे दोस्त, अच्छे शब्द क्या है, विशेषण। दोस्त क्या है, विशेष्य। क्यों विशेष है, क्योंकि दोस्त की बारे में, दोस्त की विशेषता बताई जा रही है कि वह अच्छा है। आपकी चिट्ठी, इसमें कौन सा विशेषण होना चाहिए, आपकी, विशेष्य चिट्ठी। हमारे चाचा, विशेषण शब्द हमारे, विशेष्य चाचा। इतनी बात, विशेषण इतनी, विशेष्य बात। भला आदमी, विशेषण भला, विशेष्य आदमी।
तो बच्चों अभी हम व्याकरण का व्याकरण में विशेषण के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द जिसको आप कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यह जो कलम है मेरे हाथ में इसकी क्या विशेषता है? यह लाल कलम है। तो लाल कलम में लाल शब्द क्या है? लाल शब्द है विशेषण। और कलम शब्द क्या है? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य को समझने का तरीका भी बहुत आसान है। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाए, मतलब चाहे वह कलम हो, कॉपी हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। आपको चार से अधिक भी मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक मतलब जो विशेषण शब्द किसी के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, दशा आदि का वर्णन कराए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, अवस्था, दशा आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या समझने, संख्या बोलने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्या का अर्थ क्या है। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे पांच घोड़े दौड़ते हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं। संख्या का अर्थ ही हुआ पांच, छह, सात, जिसको हम गिन भी सकते हैं, जिनको नहीं भी गिन सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद भी हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में पांच घोड़े दौड़ रहे हैं, दस लड़के खेल रहे हैं। अनिश्चित, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के मापतौल के बारे में बताते हैं, मापतौल जिनको हम वजन कर सकते हैं। इन परिमाणवाचक विशेषण का भी दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। पांच लीटर दूध, एक केजी चावल, थोड़ी चीनी, थोड़ा दूध, जिनमें किसी निश्चित परिमाण का बोध न हो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। और जिसमें निश्चित बताया जाए कि पांच लीटर चाहिए कि एक लीटर चाहिए, वो निश्चित हो गया। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों इस पर ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं। और आपके सामने अभी जो हमने विशेषण अभ्यास अपने ज्ञान सागर पुस्तक में पढ़ा उसमें सार्वनामिक विशेषण का बहुत उदाहरण था। सार्वनामिक, अगर हम इसमें से प्रत्यय अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? सर्वनाम जोड़ इक, सर्वनाम जोड़िक सार्वनामिक। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, दोनों में एक ही बात स्पष्ट हो रही है।
यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम, और किसके पूर्व आया है? संज्ञा के पूर्व। यह मेरा घर है, यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यह शब्द सर्वनाम है, मेरा शब्द भी सर्वनाम है, और संज्ञा कहाँ है? यहाँ, यहाँ पर यह सर्वनाम मेरा सर्वनाम के पूर्व है, यहाँ पर यह सर्वनाम संज्ञा शब्द के पूर्व है। अतः जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और कुछ उदाहरण देखिए, वह लड़की कहाँ गई थी। यहाँ जो वह शब्द है यह लड़की की विशेषता बता रहा है, विशेष रूप से पूछा जा रहा है कि वह लड़की कहाँ गई थी, तो यहाँ पर वह सर्वनाम लड़की की विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। कौन सी लड़की सब्जी बनाएगी, यहाँ भी बच्चों विशेष रूप से पूछा जा रहा है लड़की के बारे में, कौन सी लड़की, अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आकर उनकी विशेषता बताते उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह, वह, कौन सी, ये सभी शब्द सर्वनाम है और पहचानने का तरीका है संज्ञा शब्द से पूर्व आते हैं। इन वाक्यों में यह, वह, कौन सी सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब परिभाषा देखिए, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और ये जो सर्वनाम है संज्ञा से पहले लगकर विशेषता बताते हैं। अब अपनी पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए उन पर ध्यान दीजिए। अच्छे दोस्त, अच्छा शब्द क्या है, किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण। आपकी चिट्ठी, आपकी शब्द यह सार्वनामिक विशेषण है, आपका शब्द सर्वनाम है और चिट्ठी की विशेषता बता रहा, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। हमारे चाचा, हमारा शब्द सर्वनाम है, चाचा संज्ञा है, संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बता रहा, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। इतनी बात, यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है, यह परिमाणवाचक सर्वनाम का, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसको हम कैसे पता करेंगे? परिमाणवाचक क्या है? जिनको हम माप तोल सकते हैं, बातों को भी मापा तोला जाता है, तुम बहुत बात करते हो, तुम कम बात करते हो, तो इतनी बात यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। भला आदमी यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। जीवन मूल्य के प्रश्न को देखिए, जरूरत से ज्यादा बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं? बच्चों आप सभी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलने पर क्या हालत हो सकती है, जैसे बातूनी व्यक्ति को देखकर लेखक के मन में विचार आते थे, उसी तरह से अगर हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व दूसरों के सामने महत्वहीन होने लगता है। बातचीत या बोलना भी एक कला है, इस विषय पर अपने विचार बताइए। अगर हम किसी से अच्छी बात करते हैं तो घंटों व्यक्ति बोलता रहे तो हम उसे सुनते हैं, जैसे आप किसी संत की, महात्मा की या किसी दार्शनिक की बातें सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिना प्रश्न पूछे ही आपके प्रश्नों का समाधान मिलने लगता है। तो बातचीत या बोलना भी एक प्रकार की कला है। कुछ करने के लिए कहानी, बातूनी को नाटक रूप में लिखकर कक्षा में मंचन कीजिए। बच्चों जब विद्यालय खोलेगा तो कक्षा में इसका मंचन किया जाएगा, लेकिन नाटक के रूप में किस प्रकार लिखना है उसको मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ पर मैं पाठ 16 देशभक्त पुरु, जो कि नाटक विधा के रूप में लिखा गया है, आपको समझा रही हूँ उदाहरण के लिए। इसको नहीं लिखना है, लिखना है बातूनी प्रसंग को। पहला दृश्य राजा पुरु का दरबार। हमें क्या लिखना है? बातूनी और लेखक का जो प्रसंग है बाजार, पहला दृश्य नहीं लिखना है, बस बाजार का दृश्य, रास्ते में आते जाते लोगों का ताता लगा हुआ है, सामने से बातूनी व्यक्ति आ रहे हैं, लेखक बातूनी की ओर देखकर सुप्रभात महोदय, क्या हालचाल है? बातूनी, बहुत अच्छा है,
आप अपना कहिए। लेखक, मुस्कुराते हुए, मेरी यह चिट्ठी आवश्यक है, कृपया इसे पोस्ट ऑफिस तक आप छोड़ दीजिए। बातूनी, जी मैं इसका शुक्रगुजार रहूंगा, आपने पहली बार तो मुझे कोई काम दिया। लेखक, मुस्कुराते हुए, जी मैं भी आपका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा, आपने मेरा यह महत्वपूर्ण काम अपने ऊपर लिया। तो बच्चों, इस तरह से आपको बातूनी कहानी को नाटक रूप में करना है और आप दो पृष्ठों में इस पूरे नाटक को समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा। और याद रखिएगा कि नाटक विधा में हम अपने भावों को भी इशारे से बुलाते हुए, जैसे अपने नाटक में नाटक भी कहानी पढ़ी है कि पर्दे से के पीछे से राकेश इशारा कर रहा है, आपस में दोनों बात कर रहे हैं, तो इस तरह से भी आप अपने से बनाकर इस बातूनी कहानी को नाटक विधा के रूप में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो बच्चों, पाठ चार तो समाप्त हो गया है। बच्चों, पाठ चार के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। पाठ पांच से मैंने आप सभी को शब्दार्थ दिया था, आपने लिख लिया है। अब आपको इस पाठ में क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सुलेख में आपको लिखना है। मैं पढ़ दे रही हूँ और आपको समझा दे रही हूँ कि यह एक प्रकार का दृश्य वर्णन भी है, किंतु यहाँ पर अनुच्छेद बदला हुआ है, तो आप इसी तरह से लिखिएगा और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद लेखन में हम जो यह पैराग्राफ है इसको बदलते नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि किसी स्थल का वर्णन किस तरह से किया जाता है। पाठ पांच, राजू का सपना। 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के साथ कुछ ही दिन पहले दिल्ली शहर के अपने नए मकान में आया था। वह पहले एक छोटे से शहर में रहता था। वह शहर पर्वतीय प्रदेश में था। वहां निर्मल जल की धारा बहती थी। सड़कों और मकानों के आसपास चिनार के घने वृक्ष थे, चिनार वृक्ष का नाम है। इधर उधर खिले सुंदर पुष्पों से हर समय सुगंध आती रहती थी। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता था कि परियों के देश में आ गए हों। ऐसे वातावरण में 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली शहर में आकर रहना राजू को न भाया। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे हुए गिने चुने वृक्ष राजू से अपनी करुण कथा कहते। उद्यानों में इधर उधर थोड़ी सी बची हुई घास भी जैसे राजू से दया की याचना करती, याचना अर्थात प्रार्थना। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में कूड़े के ढेर नजर आते। बच्चों, यहाँ पर देखिए दो स्थलों का वर्णन है, एक शहरी दृश्य, एक पर्वतीय प्रदेश है। पर्वतीय प्रदेश में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परियों के देश में आए हैं, और दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर को देखकर क्या राजू को लग रहा है कि कूड़े का ढेर। यहाँ यह देखिए, एक उद्यान में राजू बैठा हुआ सोच रहा है और उसे यह शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बच्चों, तो आप सभी समझ गए कि आपको क्या करना है। बातूनी पाठ के शेष प्रश्नों को कर लीजिएगा और पाठ पांच से जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको भी आप कीजिएगा। इसके अलावा आज का गृह कार्य है, पाठ पांच में जो आपको मैंने पढ़कर बताया है उन्हीं को आप सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और चित्र भी बनाइएगा। नीचे ऊपर में आप अनुच्छेद लिखिएगा, नीचे चित्र बनाइएगा। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा के लिए।